If you're planning for Singapore, then be prepared to walk a lot. Hi, I'm Suvarna and welcome to my channel, Little Things to Share. आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फ्यू थिंग्स जो हमने सिंगापुर में किए थे. हम 7 डेज ट्रिप के लिए गए थे. 7 डेज ट्रिप के सिंगापुर कैसे गया, उनके डिटेल्स लाइक अबाउट आइटिनरी, ट्रांसपोर्टेशन, वीज़ा, फूड, वहाँ के वेदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो स्टे ट्यून्ड. एंड ये ट्रिप को हमने कोई भी एजेंट के थ्रू नहीं गए थे, खुद से गए थे. एंड सो जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, उन सब की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करूंगी, सो यू कैन चेक इट देयर आल्सो. फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि आप बहुत सारे वीडियोस आप देखिए, गूगल में रिसर्च कीजिए कि क्या क्या उधर फेमस है, क्या क्या फेमस चीज़ें आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए, सो दैट यू नो आप एक लिस्ट बना सकते हैं एंड उसके हिसाब से आप कितने दिन वहाँ स्पेंड करना चाहते हैं वो भी डिसाइड हो जाएगा. विद दैट इंफॉर्मेशन आप अपने फ्लाइट्स एंड होटल्स की बुकिंग भी कर सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स आई सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 3-4 मंथ्स पहले से शुरू कीजिए, क्योंकि फ्लाइट्स को आप कम से कम मिनिमम 2 मंथ्स पहले तो बुक करना ही पड़ेगा. सो इसके पहले अगर आपकी आइटिनरी प्रिपेयर्ड है तो सब कुछ ईजी हो जाता है. इट्स नॉट कंपल्सरी दैट आप सिंगापुर 7 डेज में ही करना है, यू कैन फिनिश इट इन 3-4 डेज ऑल्सो. एंड सिंगापुर एयरपोर्ट में पहुँचने के बाद आपको SG अरेवल कार्ड इज़ नेसेसरी, तो इसे आप वहाँ जाके फिलअप करने से अच्छा है कि आप इंडिया में ही फिलअप कर सकते हो. सो डे बिफोर योर ट्रैवल डाउनलोड MyICA ऐप. तो इससे क्या हो जाता है कि आप इंडिया में ही आप पूरे डिटेल्स फिल कर सकते हो, एंड देन फिल करने के बाद अरावल कार्ड मिल जाता है विद अ बार कोड. सो यू कैन जस्ट शो दिस एट द इमिग्रेशन व्हेन यू रीच द सिंगापुर एयरपोर्ट. दैट्स इट, बहुत टाइम सेव हो जाता है. सो यूजुअली वीज़ा टू सिंगापुर ओपन्स अप 1 मंथ बिफोर योर ट्रैवल डेट, सो रिमेंबर दैट. उससे पहले ओपन नहीं होता है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ऑथराइज्ड वीज़ा सर्विस प्रोवाइडर्स के लिंक कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट. ये डायरेक्ट वीज़ा सर्विस प्रोवाइडर्स है, नो मिडलमैन इन्वॉल्व्ड. सो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सब बोलेंगे, एंड वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप उनको सबमिट करना है एंड विद इन 1 वीक आपको वीज़ा मिल जाता है. एंड हमें फीस अराउंड 2,300 to 2,500 पर पर्सन लगा था. ऑनलाइन में बहुत ही वीज़ा स्कैम्स एंड फ्रॉड्स होते रहते हैं, सो डोंट फॉल फॉर दैट एंड बी केयरफुल. बेस्ट इज़ वीज़ा क्रेडिट कार्ड. अगर आपके पास वीज़ा क्रेडिट कार्ड है तो आपको कोई और कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सिंपली जस्ट एनेबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इन दिस कार्ड एंड यू आर गुड टू गो. यू डोंट नीड एनी फॉरेक्स कार्ड ऑल्सो. इन फॉरेक्स कार्ड द करेंसी कन्वर्जन चार्जेस आर मोर प्लस GST. हम 3 कार्ड्स यूज़ किए थे. हम फॉरेक्स कार्ड लिए थे, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा क्रेडिट कार्ड यूज़ किए थे एंड डेबिट कार्ड भी यूज़ किए. एंड आउट ऑफ दिस 3 हमें क्रेडिट कार्ड ही सबसे कम प्राइस में हो गया था. इफ़ एट ऑल यू वॉन्ट टू टेक अ फॉरेक्स कार्ड देन डोंट टेक इट ऑन फ्राइडेज, बिकॉज वो क्लोजिंग डे है एंड इट विल यूजुअली क्लोज ऑन हायर नोट. अगर आपके फॉरेक्स कार्ड में थोड़ा करेंसी रह गया है एंड उसे सेल करेंगे तो आपको और लेसर रेट में मिलेगा. And also remember that 1 card per person is compulsory. अगर example अगर आप 2 persons travel कर रहे हो तो 2 cards carry करना है. And अगर आपके पास आपके kit भी है तो भी you need to carry 3 cards. क्योंकि जब आप train या bus में चढ़ते हो तो entry में एक बार आप tap करना पड़ता है per person. तो 1 card per person आप tap करेंगे. अगर 2 persons जा रहे हैं तो you need to tap 2 cards for 2 persons. वैसे ही जब आप एग्जिट होते हो यू विल नीड टू टैप 1 कार्ड पर पर्सन. आई होप यू अंडरस्टूड. मेक श्योर कि आप फ्लाइट्स को मिनिमम 2-3 मंथ्स पहले आप बुक कर दें. तो स्काई स्कैनर ऐप डाउनलोड कीजिए एंड इससे एडवांटेज ये है कि आपको बहुत सारे फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन एक ही पेज में वो दे देता है विद द प्राइसेस. तो आप जल्दी डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा एयरलाइंस कितना प्राइस में है एंड आपके बजट में कौन सा एयरलाइंस गिर रहा है एंड यू कैन चूज़ अकॉर्डिंगली. आप एयरलाइंस को भी ऐसा चूज़ करना कि आप लैंडिंग सुबह का रहेगा एंड डिपार्चर शाम को रहेगा, तो इसकी वजह से ना आपको day 1 में भी पूरा दिन मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए एंड लास्ट डे भी आपको पूरा दिन मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए. सो ऐसे चूज़ करना.
मेक माई ट्रिप में आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आप डाल देंगे तो उसमें हो जाता है। एकॉर्ड नेम के एक ऐप रहती है, वो डाउनलोड कीजिए। सो इस ऐप में जो भी होटल्स लिंक्ड अप है उसमें से आपको थोड़ा डिस्काउंट में आपको मिल जाएंगे। तो हमने लिटिल इंडिया में बेंगोलिन स्ट्रीट में आइबिस की होटल बुक किए थे, थोड़ा सा डिस्काउंट मिला था, विद ब्रेकफास्ट ऑप्शन लिए थे। होटल्स इन सिंगापुर आर वेरी एक्सपेंसिव, वहाँ जितना प्राइस आप एक 3-स्टार होटल को पे करते हो उस प्राइस में हमें इंडिया में 5-स्टार होटल मिल जाता है। सो ये प्राइस वेरिएशन है। डोंट एक्सपेक्ट बिग रूम्स, सिंगापुर सिटी इज़ वेरी स्मॉल सिटी, सो उसके हिसाब से रूम्स भी बहुत ही स्मॉल ही रहेंगे। हमारे होटल के रूम भी स्मॉल था बट इट वॉज़ गुड। वहाँ बाथरूम भी स्मॉल है एंड रिमेंबर दैट वहाँ पे जेट स्प्रे नहीं रहता है, ओनली टिश्यूज रहेंगे फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एंड बाथरूम में भी ड्रिंकिंग वाटर आती है, दे वी वर टोल्ड कि अगर आपको पानी पीना है तो यू कैन जस्ट ग्रैब अ ग्लास वहाँ सिंक से फिल करके आप पी सकते हैं करके बोले थे, बट वी कुडंट डू इट क्योंकि बाथरूम ही रहती है, सो विजुअली वी कुडंट एक्सेप्ट इट। बट नो प्रॉब्लम, बाहर रूम के बाहर कॉरिडोर में डिस्पेंसरीज रखते हैं, सो वहाँ पे आप अपने एम्प्टी बॉटल्स कैरी कीजिए एंड फिलअप कर दीजिए। हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों रहते हैं, यू कैन फिल इट अप। सो यूज़ योर टाइम वेरी वाइजली व्हेन यू आर अब्रॉड बिकॉज यू आर पेइंग फॉर एवरी सेकेंड यू आर स्टेइंग देयर। सो जैसे ही आपको रूम मिल जाता है क्विकली फ्रेशन अप हो जाइए एंड उसके बाद जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये होटल की लोकेशन भी अच्छा था, जस्ट आउटसाइड द होटल हमें बस स्टॉप था एंड फ्यू वॉकेबल डिस्टेंस के बाद MRT स्टेशन था एंड जस्ट आउटसाइड द होटल 7-Eleven नाम के एक स्टोर रहता है, 24/7 ओपन रहता है, जिसमें सिम कार्ड से लेकर फूड एवरीथिंग वहाँ पे मिल जाता है इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे लोग ईजी लिंक कार्ड्स लेते हैं, विच इज़ अ ट्रैवल कार्ड जिसे आप मेट्रो में बस में यूज़ कर सकते हैं, बट हमने ऐसे कुछ भी कार्ड्स नहीं लिए थे क्योंकि थिंग इज आप हमेशा वहाँ पे बस और ट्रेन से ही ट्रैवल नहीं करेंगे, यू विल बी रिक्वायर्ड टू यूज़ कैब ऑल्सो, तो आपको कभी कभी कैब में भी जाना पड़ता है, कभी बस कभी ट्रेन, सो कैब में ये कार्ड काम नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में वो कार्ड वेस्ट हो जाता है। सो इससे बेटर है कि आप इजी कार्ड लेना ही मत, एज आई टोल्ड यू जस्ट गो विथ योर वीज़ा क्रेडिट कार्ड, वो काफ़ी है। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस के अट्रैक्शंस देखने जाते हो तो इट इज़ बेटर टू ऑप्ट फॉर अ कैब, क्योंकि उस टाइम में बस ट्रेन और कैब में उतना फ़र्क नहीं दिखता है, कंफर्टेबली कैब से जाएं एंड कैब से आ जाएं। हमें वहाँ पे बस जर्नी बहुत अच्छा लगा क्योंकि माटी से जाना है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए वॉक करना है एंड अंदर MRT स्टेशन के अंदर भी बहुत वेस रहते हैं, उधर भी वॉक करना है ना। वॉक करने के बाद जब आप ट्रेन के अंदर बैठेंगे टू रीच योर डेस्टिनेशन, अंदर कुछ भी कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, जस्ट इंटीरियर ऑफ द ट्रेन बस उतना। बट आप बस से ट्रैवल करेंगे वो भी डबल डेकर बस से, तो आपको अच्छे से सिटी व्यू मिल जाती है एंड उस व्यू को देखते देखते आप अच्छे से अपने डेस्टिनेशन को पहुंच सकते हैं। मेरी किड भी बस जर्नी को बहुत एंजॉय की थी, शी जस्ट वॉन्टेड टू ट्रैवल ओनली बाई बस, इट वॉज दैट फन। एंड वहाँ पे आपको कैब बुक करने के लिए यहाँ का ओला उबर ऐसा ऐप्स नहीं चलता है, उधर का ऐप्स अलग है, लाइक ग्रैब गोचेक मूविट गोदेर ऐसा ऐप्स है, इन सब की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी, आप चेक कर सकते हो। एंड बस और MRT यूज़ करना है तो आप गोदेर और मूविट ऐप से आप कर सकते हो, ये ऐप्स बहुत ही यूजफुल रहते हैं। इसमें कैसा है कि आप अगर अपनी लोकेशन करेंट लोकेशन एंड डेस्टिनेशन डालेंगे, बस ट्रेन कैब इन तीनों के रूट्स आपको दे देती है, अब तीनों में से किसी को चूज़ करना है, चूज़ करने के बाद आपको पूरा बस रूट दे देता है, लाइक कहाँ पे आप बस चलना है, कौन से बस नंबर पे जाना है एंड कहाँ पे अगर टू बसेस चेंज करना पड़ेगा आपको तो कहाँ पे बस उतरना है एंड फिर से कहाँ पे बस चलना है एंड कौन से नंबर का बस चलना है, ये सब डिटेल्स आपको कम्प्लीटली वहाँ दे देती है विद द बस स्टॉप कोड। तो बस से उतरने के बाद वहाँ के बस स्टॉप के कोड से आपके दिए गए कोड को कंपेयर करके आप चेक भी कर सकते हो कि आप करेक्ट बस स्टॉप में आए हैं कि नहीं।
अट्रैक्शंस के टिकट्स आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं थ्रू Bloop.com और हमारे जैसे डायरेक्ट एजेंट से भी ले सकते हैं। हमारा एक फ्रेंड है जो सिंगापुर रेसिडेंट है, उन्होंने हमें ये लोकल ऑथराइज्ड एजेंट्स के नंबर दिए थे। उनसे एडवांटेज ये है कि आपको टिकट्स थोड़े डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाते हैं एंड यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट देम थ्रू व्हाट्सएप एंड आप उनको इंडियन करेंसी में पे कर सकते हैं एंड डायरेक्टली आपको टिकट्स ऑनलाइन आ जाएंगे एंड एंट्री करते टाइम आप इन बारकोड्स को स्कैन कर देंगे तो हो जाता है। आई विल प्रोवाइड देयर फोन नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। सिंगापुर क्लाइमेट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। कुछ अट्रैक्शंस ऐसे होते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द वेदर दे रिलीज द टिकट्स एंड ऑल्सो कुछ क्लोज भी कर देते हैं। एग्जाम्पल यूनिवर्सल स्टूडियोज की टिकट्स एक्सपेंसिव है। अगर आप टिकट्स ले लिए हैं एंड उधर जाके बारिश हो गया तो आउटडोर के जो राइड्स होते हैं वो क्लोज कर देते हैं एंड यू विल बी एट लॉस। तो इट्स बेटर कि आप पहले 2 दिन पहले वेदर चेक कीजिए एंड उसके बाद टिकट्स ले लीजिए। कुछ टिकट्स आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वो उधर ही डायरेक्ट लेना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। लाइक सुपर ट्री के स्काई वॉक है, अगर वेदर ऐसा है कि रेन गिरने वाला है या फिर स्टॉर्म्स आने वाले हैं तो टिकट्स क्लोज कर देंगे। मेरीना बे सैंड्स एक बिल्डिंग है जहाँ एक साइड होटल्स है एंड दूसरी साइड मॉल है, तो वो ऐसा है कि वो एक सेंटर पॉइंट ऑफ बिल्डिंग है जहाँ एक साइड मेरीना बे सैंड्स के ऑब्जर्वेशन डेक की रूट है एंड दूसरा साइड गार्डन्स बाय द बे की रूट है। तो इन दोनों को देखने के लिए आपको तो उसके अंदर जाना ही पड़ेगा एंड अंदर ही आपको बहुत वॉक करना पड़ता है एंड वहाँ पे मेरीना बे सैंड्स ऑब्जर्वेशन डेक भी रहती है। माने वो बिल्डिंग का टेरेस है, ऊपर टेरेस पे आपको एंट्री मिलती है, वहाँ से आपको पूरे सिटी का 360 डिग्री व्यू मिलती है विच इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड सनसेट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप एक पोस्टर के अंदर हैं, सो उसका भी टिकट्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। बट रिमेंबर दैट उस टिकट लेने के बाद आपको टाइम स्लॉट भी बुक करना चाहिए। टाइम स्लॉट के अपॉइंटमेंट इज नेसेसरी। बिफोर 5 PM इज फ्री, टाइम स्लॉट की कुछ ज़रूरत नहीं है, कभी भी आप जा सकते हो, जब चाहे तब तक आप रह सकते हो। बट आफ्टर 5 PM इवन दो यू हैव अ टिकट, विदाउट अ टाइम स्लॉट आप नहीं जा पाएंगे एंड वहाँ के सनसेट टाइमिंग इज अराउंड 7:15 to 7:30। अगर आपको ऑब्जर्वेशन डे चलना है तो 6 to 7 इज द राइट टाइम क्योंकि वहाँ पे डे एंड नाइट का व्यू दोनों मिल जाते हैं। एंड इन केस ऊपर जाने के बाद बारिश हो गया या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया तो वो क्लोज कर देंगे एंड आपको नीचे बुला देंगे। वहाँ के हेल्प डेस्क के पास जाके आप बात कर सकते हो। सिंगापुर की क्लाइमेट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, कभी सनी रहता है, कभी क्लाउडी रहती है, कभी बारिश गिर जाती है अचानक से, सो इट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। बट डू कैरी हैट और कैब्स एंड अम्ब्रेला और लाइट वेट रेनकोट्स या पॉन्चोज हैं कुछ भी ऐसे कैरी कर सकते हो बिकॉज यू नेवर नो कब बारिश गिर जाएगा। हैट्स और कैप्स तो मैंडेटरी हैं बिकॉज इतना धूप रहती है, इतना ह्यूमिड रहती है, यू विल नॉट बी एबल टू वॉक विदाउट अ हैट और अ कैप, सो डू कैरी देम। And remember, in Singapore, everything closes by 9 or 9:30, even restaurants. आपके होटल के अराउंड ही इंडिया के जैसे मैकडी, बर्गर किंग ऐसे आउटलेट्स भी रहेंगे, बट हॉकर सेंटर में आपको वेजिटेरियन फूड मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। उधर के स्मेल्स इतना स्ट्रॉन्ग आते हैं कि आप नहीं खा पाएंगे। लिटिल इंडिया में आपको इंडियन मील्स भी मिल जाते हैं एंड वेज मील्स भी मिल जाते हैं। इनमें से कोमला विलास रेस्टोरेंट इज़ द बेस्ट वन, ये 9:30 के बाद भी ओपन रहती है, हमेशा लंबा क्यों रहता है एंड दे आर सो स्वीट, दे विल सर्व यू लेमन जूस ऑल्सो वेल यू आर स्टैंडिंग इन द क्यू। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है एंड द प्राइस इज ऑल्सो गुड एंड द क्वान्टिटी ऑफ द थाली इज ऑल्सो अनलिमिटेड है। एंड अगर आपके पास किड है, आपकी थाली आपके किड से आप शेयर कर सकते हो। जब आप मेरीना बे सैंड्स और गार्डन्स बाय द बे एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपको फूड मेरीना बे सैंड्स के अंदर जो फूड कोर्ट है उधर ही खाना पड़ेगा क्योंकि बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सो कीप दैट इन माइंड। वाटर इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन सिंगापुर, 300 to 500 ml वाटर बॉटल आपको कम से कम 200 rupees से शुरू होता है, सो इट्स दैट एक्सपेंसिव। अगर आप मॉल में बाय करेंगे तो उससे और थोड़ा ज़्यादा भी आप पे करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप अपने बॉटल्स को आपके होटल के कॉरिडोर में जो डिस्पेंसरीज रखते हैं वहाँ फिल कर लो
एंड देन यू लीव टू एक्सप्लोर द सिटी। एंड बाहर पब्लिक प्लेसेस में भी वाटर डिस्पेंसरीज रखते हैं, तो उधर से भी आप अपने बॉटल्स को फिल कर सकते हो। एंड डोंट वरी, द वाटर इज कम्प्लीटली सेफ। हम भी ऐसे ही वाटर फिल करके यूज़ किए थे, एंड आफ्टर 7 days ऑल्सो इंडिया आने के बाद भी हमें कुछ कोल्ड कैच करना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब आप मेरिना बे सैंड्स जाएंगे तो वहाँ ऐसे वाटर डिस्पेंसरीज नहीं मिलेंगे, तो कैरी सम एक्स्ट्रा वाटर विद यू, वरना आपको नया बॉटल खरीदना ही पड़ेगा उधर से। कमिंग टू शॉपिंग, वो हर किसी के इंटरेस्ट से डिपेंड होती है, बट हमें उतना पसंद नहीं आया बिकॉज इंडिया के अमेजोन में भी आपको सब कुछ मिल जाता है, हमें कुछ यूनिक थिंग्स ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, तो हम वो छोड़ दिए थे एंड बाकी के प्लेसेस हमने एक्सप्लोर किए। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं आपको फ्यू अदर प्लेसेस के बारे में भी लिस्ट आउट करूँगी विच वी डिडंट एक्सप्लोर, क्योंकि हर किसी के इंटरेस्ट अलग अलग होती है एंड वी वर ट्रैवलिंग विथ आर 8-year-old, तो उसका भी हम ध्यान रखना है। सिंगापुर ऐसा प्लेस है कि बहुत सारे प्लेसेस आपको बाई वॉक एक्सप्लोर करना पड़ता है, एंड विद एन 8-year-old आप उतना वॉक नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल मिनिमम रोज़ 30 किलोमीटर्स वॉक करती थी, एंड उससे ज़्यादा हम और उसको एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, तो फ्यू प्लेसेस हमने अवॉइड कर दिए थे बिकॉज उतना वॉक करना इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतना वॉक कर रहे हैं क्योंकि सिटी इतना ब्यूटीफुल रहती है, सिटी का व्यू देखते देखते आप वॉक कर ही लेते हो। मिनिमम 25-30 किलोमीटर्स हम वॉक करते ही करते थे, क्योंकि उधर का अट्रैक्शंस भी इतना बड़े बड़े हैं कि अट्रैक्शंस पहुंचने के बाद वहां अंदर अंदर ही आपको बहुत वॉक करके एक्सप्लोर करना पड़ता है। इफ़ पॉसिबल डू कैरी अ बैकपैक लाइक दिस विथ व्हील्स, क्योंकि ऐसे बैग्स में आप पूरे हैवी वाटर बॉटल्स रख सकते हो, हैट्स, कैप्स, रेनकोट्स, अम्ब्रेलास, जैकेट्स, कुछ भी फूड रिलेटेड आइटम्स कुछ भी आप रख सकते हो। इवन दो इफ़ इट इज़ हैवी, तो ऐसे ड्रैग करके आप इजीली वॉक कर सकते हो। Hope this video is useful to you. See you all in my next video. Till then, take care. Bye-bye.